फर्स्ट चैप्टर सुदर्शन जी के द्वारा लिखी गई कहानी बात अठन्नी की इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को कहानी का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया था, उसमें मैंने आप लोगों को कहानी का सारांश बताया था, कठिन शब्दों के अर्थ भी बताए थे, साथ ही कहानी के उद्देश्य क्या है कहानी का और शीर्षक की सार्थकता ये भी बताई हुई है। साथ ही मैंने कुछ मेन पॉइंट्स ये आपको बताए थे बच्चों, जिससे कि आप यदि याद रखते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कहानी अच्छे से समझ में आई है तो आप क्वेश्चन का आंसर भी इजीली दे पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। और क्वेश्चन आंसर बताने से पहले बच्चों थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि ICC के जो एग्ज़ाम का पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का वो क्या है। तो आपका एक गद्यांश होगा, यानी आपकी कहानी से कोई भी एक पंक्ति दो पंक्ति दी होगी और उस पर ही आपको प्रश्न होंगे, चार प्रश्न होंगे। और ये आपका 10 मार्क्स का होगा, जो कि दो दो नंबर और तीन तीन नंबर में डिवाइड होगा। ठीक है, तो कहानी बच्चों अधिक कहानी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो अधिकतर जो है वो ऐसे ही पूछे जाते हैं, जैसे कि इस पंक्ति का श्रोता कौन है, इस पंक्ति का वक्ता कौन है यानी बोलने वाला कौन है। ठीक है, और कहानी की कोई घटना जो कि महत्वपूर्ण है तो उससे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस संदर्भ में हुआ, या ऐसा क्यों कहा गया, किस संदर्भ में कहा गया है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा कहानी में शीर्षक की सार्थकता और कहानी का उद्देश्य क्या है और साथ ही कहानी में क्या संदेश दिया गया है, यानी राइटर ने क्या संदेश देना चाहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो अधिकतर पूछे जाते हैं। और यदि आपने कहानी को अच्छे से समझा है तो क्वेश्चन का आंसर भी आप अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैटर्न। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने आपके लिए कोशिश की है कि अच्छे अच्छे प्रश्न तैयार किए हैं ताकि आपको हेल्प हो सके, तो उसके आंसर्स हम लोग देख लेते हैं। बात अठन्नी की के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। गद्यांश एक, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, प्रस्तुत संवाद का वक्ता कौन है उसका परिचय दीजिए। वक्ता का अर्थ होता है बच्चों बोलने वाला, यानी किसने ये बात कही है। उत्तर है, प्रस्तुत संवाद का वक्ता इंजीनियर बाबू जगत सिंह हैं। बाबू जगत सिंह एक प्रतिष्ठित इंजीनियर हैं, समाज के उच्च पदों पर आसीन बेईमान व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह एक रिश्वतखोर और भ्रष्ट व्यक्ति हैं, किंतु अपने सेवक द्वारा की गई छोटी सी हेराफेरी के लिए उसे सज़ा दिलवाते हैं। वह एक असंवेदनशील तथा हृदयहीन व्यक्ति हैं, क्योंकि वह अपने सेवक के दुख में उसकी सहायता नहीं करते हैं। बाबू जगत सिंह एक ऐसे मालिक के रूप में भी दिखाई देते हैं जो अपने सेवक का यथासंभव आदर भी करते हैं, किंतु शोषक के रूप में भी हैं, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति के अनुनय विनय के बाद भी उसका वेतन नहीं बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, बाबू जगत सिंह ने उपयुक्त वाक्य किस संदर्भ में कहा है। उत्तर है, बाबू जगत सिंह के नौकर रसीला का वेतन 10 रुपये मासिक था, अतः वह बार बार इंजीनियर बाबू से अपना वेतन बढ़ाने के लिए कहता है, किंतु वह उसका वेतन नहीं बढ़ाते बल्कि उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में श्रोता कौन है, उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना क्यों की। श्रोता का अर्थ होता है बच्चों सुनने वाला, अर्थात इस पंक्ति को सुनने वाला कौन है, उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना क्यों की। उत्तर है,
उपर्युक्त पंक्तियों में श्रोता बाबू जगत सिंह का नौकर रसीला है, उसने अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना की क्योंकि उसका मासिक वेतन मात्र 10 रुपये था और पूरा वेतन वह अपने गांव भेज देता था, किंतु इतने पैसे में उसका तथा उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। अतः रसीला इंजीनियर बाबू से बार बार वेतन बढ़ाने की प्रार्थना करता था। अगला प्रश्न है, रसीला बाबू जगत सिंह के द्वारा वेतन न बढ़ाने पर भी नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? उत्तर है, रसीला बाबू जगत सिंह के द्वारा वेतन न बढ़ाने पर भी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर यहाँ कभी भी किसी ने उस पर संदेह नहीं किया था। यही कारण है कि वह सोचता है कि कहीं और वह चला जाए तो हो सकता है कि उसका वेतन 11-12 हो जाए, किंतु ऐसा आदर वहाँ नहीं मिलेगा। गद्यांश 2, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में बाबू साहब संबोधन किसके लिए किया गया है? उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियों में बाबू साहब संबोधन रसीला के मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, रसीला को रुपयों की आवश्यकता क्यों थी, उसकी सहायता किसने की? उत्तर है, रसीला को रुपयों की आवश्यकता थी क्योंकि उसके गांव से खत आता है कि उसके बच्चे बीमार हैं और उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। रसीला अपने मालिक से पेशगी मांगता है ताकि वह रुपए बच्चे के इलाज के लिए भेज सके, किंतु बाबू जगत सिंह उसकी मदद नहीं करते हैं। रसीला की मदद उसके मित्र रमज़ान ने की। अगला प्रश्न है, रमज़ान कौन था, रसीला उसके संबंध में क्या विचार करता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, रमज़ान इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोसी जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार था। जब रसीला के बच्चे बीमार पड़ते हैं और उसके मालिक इंजीनियर जगत सिंह उसको पेशगी देने से मना कर देते हैं, इस पर वह बहुत ही उदास होता है, किंतु उसकी उदासी का कारण जानने के बाद उसके मित्र रमजान ने कुछ रुपए देकर उसकी मदद की, जिससे रसीला सोचता है कि बाबू साहब की तो इतनी सेवा की लेकिन उन्होंने दुख में उसका साथ नहीं दिया। लेकिन यह निर्धन रमज़ान है जिसने इस परिस्थिति में उसकी मदद की, वह आदमी नहीं देवता है, अतः ईश्वर इसका भला करे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, रसीला और रमज़ान के बीच कैसा संबंध था? उत्तर है, रसीला और रमज़ान के बीच बहुत मैत्री थी, वह दोनों घंटों बात किया करते थे। रमज़ान के मालिक शेख साहब को फलों का शौक था, इसलिए वह रसीला को फल देता था, और रसीला के मालिक इंजीनियर बाबू को मिठाइयों का शौक था, इसलिए रसीला रमज़ान को मिठाई देता था। इतना ही नहीं, रसीला के बच्चों के बीमार पड़ने पर रमज़ान कुछ रुपयों से रसीला की मदद भी करता है, अतः रसीला और रमज़ान के बीच बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। गद्यांश 3, शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोछा। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, रसीला का मुकदमा किसकी अदालत में पेश हुआ? उत्तर है, रसीला का मुकदमा जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। अगला प्रश्न है, किसने किसको कितनी सज़ा सुनाई, उसका अपराध क्या था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुनाई। रसीला बाबू जगत सिंह का नौकर था,
एक दिन इंजीनियर बाबू ने रसीला से 5 रुपये की मिठाई लाने को कहा, किंतु वह 4.5 रुपये की मिठाई लाया और 8 आने रमज़ान को देकर अपना कर्ज उतार लिया। मिठाई देखकर इंजीनियर बाबू को शक होता है और वह रसीला को डराते धमकाते हैं और उसे एक तमाचा भी मारते हैं तथा हलवाई के पास ले जाने की धमकी भी देते हैं। अंततः रसीला अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। एक गरीब और सज्जन नौकर रसीला को वह पुलिस के हवाले कर देते हैं और उसका मुकदमा शेख साहब की अदालत में पेश होता है तथा उसके अपराध के लिए 6 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। अगला प्रश्न है, रसीला कौन था, उसके चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर था। वह गरीब किंतु कर्तव्यनिष्ठ था और वह जगत सिंह के यहाँ बहुत समय से कार्य कर रहा था। यद्यपि उसका वेतन मात्र 10 रुपये था, जिससे उसका तथा उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था, फिर भी वह नौकरी नहीं छोड़ता, क्योंकि वह एक पारंपरिक सोच का व्यक्ति था। यही कारण है कि बाबू जगत सिंह के द्वारा वेतन न बढ़ाने पर भी वह कहीं दूसरी जगह नौकरी के लिए नहीं जाना चाहता। उसे लगता है कि जो आदर सम्मान विश्वास यहाँ मिल रहा है वह कहीं और नहीं मिलेगा, भले ही वहाँ 11-12 उसका वेतन क्यों ना हो जाए। वह एक जिम्मेदार और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में भी दिखाई देता है। उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी और उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास भी करता है। जब उसके बच्चे बीमार पड़ते हैं तब वह बहुत ही उदास और दुखी हो जाता है। जब रमजान उसकी मदद करता है तब वह धीरे धीरे उसका कर्ज उतारने का प्रयत्न करता है, जिससे पता चलता है कि वह ईमानदार व्यक्ति भी था। बाबू जगत सिंह के पूछने पर मिठाई कितने की है तथा थोड़ी धमकी देने पर ही वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, जो उसके भीरू और सज्जनता को दिखाता है। प्रस्तुत उत्तर में बच्चों, रमज़ान के चरित्र की विशेषताओं में मुख्य जो पॉइंट है, जैसे कि कर्तव्यनिष्ठ, दूसरा है पारंपरिक सोच, तीसरा है जिम्मेदार और संवेदनशील, फिर चौथा है ईमानदार और पांचवा है भीरू यानी डरपोक और सज्जन। ये इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो कि रसीला के चरित्र की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप रसीला द्वारा किए गए अपराध और उसको मिलने वाली सजा से सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कहानी में रसीला ने 8 की चोरी की थी, उसके इस अपराध के लिए उसे 6 महीने की सजा भी सुनाई गई थी। यह उचित है कि अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए, किंतु रसीला द्वारा किया गया अपराध बहुत छोटा था और उसके लिए मिलने वाली सज़ा बहुत बड़ी। वास्तव में सच्चा न्याय तभी होगा जब अमीर गरीब छोटा बड़ा किसी प्रकार का भेदभाव न होकर सभी को समान रूप से न्याय मिलता। किंतु कहानी में इंजीनियर बाबू और शेख साहब जैसे बड़े बड़े रिश्वतखोर को किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं मिलती और वह सुख सुविधा से संपन्न समाज में प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करते हैं। अतः समानता तभी होगी जब समाज में ऐसे रिश्वतखोरों को भी सज़ा दी जाएगी और भेदभाव मिटाकर सच्चा न्याय किया जाएगा। गद्यांश 4, फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, किसकी आंखों में खून उतर आया और क्यों? उत्तर है, फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया क्योंकि जब उसने सुना कि शेख साहब ने रसीला को उसके छोटे से अपराध अर्थात मात्र 8 की चोरी के लिए 6 महीने की सज़ा सुनाई है।
अगला प्रश्न है, फैसला सुनकर रमज़ान को गुस्सा क्यों आया? उत्तर है, फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया, अर्थात वह बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि एक छोटे से अपराध अर्थात अठन्नी की चोरी के लिए उसके मित्र रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी गई, क्योंकि उसका अपराध साबित हो जाता है और बड़े बड़े चोर समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीते हैं, उन पर कानून की कोई कार्यवाही नहीं होती है, क्योंकि बड़े बड़े अपराधी तो स्वयं कानूनदान बने बैठे हैं, वे भला क्या सही न्याय करेंगे। प्रस्तुत उत्तर में बच्चों आप ये पंक्ति अवश्य लिखिए, क्योंकि बड़े बड़े अपराधी तो स्वयं कानूनदान बने बैठे हैं, वे भला क्या सही न्याय करेंगे। इस पंक्ति के द्वारा आपके उत्तर में प्रभावशीलता आएगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कहानी में एक गरीब और मजबूर व्यक्ति की अठन्नी की हेराफेरी के लिए उसे सज़ा सुना दी जाती है, वहीं 500,000 के चोर रात में नरम गद्दों पर मीठी नींद लेते हैं, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि अपराध करने वाले उच्च पदों पर बैठे हैं। जो बड़े बड़े अपराधी हैं वे स्वयं कानूनदान बने बैठे हैं, तो वह क्या न्याय करेंगे। अतः जब कानून के रखवाले ही भ्रष्ट हैं तो समाज से भ्रष्टाचार का अंत कैसे होगा। कहानी के माध्यम से कानून व्यवस्था की खामियों तथा समाज में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की समस्या को उजागर किया गया है। प्रस्तुत उत्तर में बच्चों आप ये पंक्ति, कहानी के माध्यम से कानून व्यवस्था की खामियों तथा समाज में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की समस्या को उजागर किया गया है, ये अवश्य लिखिए। बात अठन्नी की कहानी के माध्यम से कहानीकार क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर है, इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने संदेश दिया है कि स्वामी को अपने सेवक की छोटी भूलों को क्षमा कर देना चाहिए। जहां बाबू जगत सिंह रिश्वत लेते हैं लेकिन केवल अठन्नी की चोरी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अपने नौकर रसीला को सज़ा दिलवाते हैं, वहीं मजिस्ट्रेट के पद पर विराजमान शेख साहब को भी रसीला अपराधी लगता है और वह भी उसकी पहली गलती समझकर माफ़ नहीं करते, बल्कि उसे 6 महीने की सज़ा सुनाते हैं। यद्यपि वे दोनों ही रिश्वतखोर और भ्रष्ट हैं, दोनों के अपराध में फ़र्क इतना है कि रसीला का अपराध साबित हो जाता है और बाबू जगत सिंह और शेख साहब का अपराध साबित नहीं होता। वे दोनों ही समाज में सम्मानित हैं। वे दोनों ही यदि चाहते तो रसीला की पहली गलती के लिए उसे क्षमा कर सकते थे। अतः इस कहानी द्वारा न्याय व्यवस्था की खामियों को तो उजागर किया ही गया है, साथ ही सामाजिक विषमता को दूर करने का भी संदेश दिया गया है। प्रस्तुत उत्तर में बच्चों आप ये अंतिम पंक्ति अवश्य लिखें, अतः इस कहानी द्वारा न्याय व्यवस्था की खामियों को तो उजागर किया ही गया है, साथ ही सामाजिक विषमता को दूर करने का भी संदेश दिया गया है। तो इस पंक्ति को आप की वर्ड्स के रूप में अपने उत्तर में अवश्य लिखिए। इसके अतिरिक्त बच्चों बात अठन्नी की कहानी के शीर्षक की सार्थकता और कहानी का उद्देश्य, इन दोनों पर भी प्रश्न आ सकते हैं और इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर मैंने इसके पहले की डिस्क्रिप्शन की वीडियो में दे दिया है आपको, तो आप उसमें से अवश्य उस उत्तर को देख लीजिए। और ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर थे बात अठन्नी की कहानी से। और मेरा प्रयास है बच्चों कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न बनाऊं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प हो सके। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।